जय हिंद एवरीवन, मैं प्रिया। आज मैं दरोगा के सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि दरोगा के लिए कौन सा बुक पढ़ना है। देखो, बिहार पुलिस टफ हो सकता है आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन दरोगा जो है, अगर आप मेहनत से पढ़ लोगे तो आपका दरोगा निकल सकता है, निकलेगा ही, 100% गारंटी है। मैंने पप्पी से पूछा कि कौन कौन सा बुक अभी तू पढ़ रही, क्योंकि उसका मेन टारगेट दरोगा है। मैं उसे भूल से भी कह दूँ कि बिहार पुलिस का फॉर्म भर देना, तो वो बोलती मतलब मेरे से गुस्सा हो जाती है। कहीं ना कहीं उसे टैलेंट है, अपने भरोसा पे कॉन्फिडेंट है। तो ही तो देखो, दरोगा के लिए पहले लूसेंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पढ़ना। भाई, आप एक ऑफिसर बनेंगे इतना तो आप कर ही सकते हैं। देखो, दरोगा में एक लूसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को अच्छे से पढ़ना है। और ये हो गया SPD, रेलवे सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, इनको भी अच्छे से पढ़ना है। देखो, आप जो ये सोचोगे मैं GK में पकड़ कर लूँगा तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। बोलो उसको आप PT निकाल लोगे, मेंस भी निकाल लोगे, लेकिन मेरिट में छट जाओगे। अगर आप चाहते हो पहले ही प्रयास में आप लास्ट स्टेज तक चले जाओ, सॉल्डर पे 2 स्टार लग ही जाए, आपको पहले से कड़ी मेहनत करनी होगी। देखो बुक सबके पास रहती है, पढ़े कैसे, कौन सा टॉपिक पढ़े ये समझ नहीं रहता, तो मैंने बता दिया। और हाँ, करंट अफेयर उत्कर्ष क्लास, करंट अफेयर तो उत्कर्ष क्लास है ही, जो कि विश्व में नंबर 1 है, वो आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर। फिर आप प्रैक्टिस सेट एक रेगुलर बनाए, वो हो गया प्लेटफॉर्म का एकदम मस्त रहता है। उसका एक्सप्लेनेशन पीछे में दिया पड़ता है, मुझे क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा लगता था उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने में, ठीक है। और देखो, मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, तो उस सब भी हल्का हल्का बनाते रहना है, क्योंकि आपका एक पॉइंट से भी छटते हो। बहुत स्टूडेंट, एक लड़की थी मेरी, अभी यही ट्रेनिंग कर रही, उसकी बहन एक पॉइंट से छटी है। तो बताइए मेरे को, इसीलिए अगर आप चाहते हो कि सारा क्वेश्चन सॉल्व करें और मेरिट लिस्ट में नाम आए, तो इन सारे बातों को फॉलो करना है, फिर आपका एग्ज़ाम ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। और फिर आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। और ये देखो, मनमोहनी पेंटिंग दरोगा में UPSC में क्वेश्चन पूछता ही, ये कंचन दीदी है मेरे साथ में जो रहती है, और ये विख्यात है बिहार में मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी कला, कौन सा जिला विख्यात है, ये क्वेश्चन पूछते तो वो मधुबनी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को ये क्वेश्चन याद रहेगा, इन सारे बातों को फॉलो करें, आपका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। और मैथ रीजनिंग पे भी ध्यान दें, क्योंकि मेंस में मैथ रीजनिंग पूछता है। करंट अफेयर के लिए उत्कर्ष क्लास हो गया। तो बहुत का कमेंट आ रहा था कि आप दरोगा के लिए बता ही दीजिएगा, तो मैंने पप्पी से पूछा तो वो बताई कि ये बुक के बारे में बताओ, फिर देखना, मज़ा आएगा पढ़ने में। आप लोग इन सारे बुक्स को ज़रूर फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना, ये पप्पी का आइडिया था।